टीम कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू रूट ओवर 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझो ना, पता है देखो ये एक आपको कर्व का एक ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका कर्व होगा समवन लाइक दिस। अब देखो आपको क्या असली में कर्व बनाना है? नहीं नहीं, असली में कर्व नहीं बनाना है आपको, आपको कोई भी ऐसे रफ में कर्व बना लेना है और आपको सिचुएशन विजुलाइज करनी है, ठीक है। तो सपोज कोई कर्व है, कुछ भी बना लो, लेट अस से ऐसा कोई कर्व है, ठीक है। अब ये इसका असली कर्व नहीं है और ना आपको बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो वाला पॉइंट बताओ, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। देखो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट होगी, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, और हर टेंजेंट का अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो स्लोप अलग अलग होगा। ये चेक हो, हर टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा, लेकिन आपको वो वाला पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो कितना है, 2/3 है। मतलब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट की जानकारी देनी है, ठीक है। तो सपोज वो पॉइंट ये रहा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम कर लिए, x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है। तो लेट द, तुमको ब्लू मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा, ब्लैक इंक खत्म हो गई, वो मैं रिकॉर्डिंग के बाद चेक करूंगा कहाँ रखी हुई, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। हमने माना कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, वेयर मतलब जहाँ पर द टेंजेंट, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2/3, ठीक है। तो ये आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है, ध्यान से चेक करिए, आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है dy/dx at x0, dy/dx at x0, y0 गिवन है आपको कितना, यही तो क्या होता था, स्लोप होता था, और ये स्लोप कितना दिया हुआ है, 2/3। बात समझ में, सुनो, एक तो इन्होंने दिया है आपको स्लोप और आप निकाल लो, दोनों का आपस में इक्वल कर दो। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने अज्यूम कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप। तो आपका वाई क्या है, आपका वाई है रूट ओवर 4x माइनस 3 और माइनस 1 रूट के बाहर है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ दिस होल थिंग, यानी कि dy/dx ऑफ 4x माइनस 3 और माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा। अब सुनो इसका डेरिवेटिव करना आता है, हाँ रूट एक्स का पता है ना क्या होता है, dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2√x, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2√, यहाँ पे अंदर x आता था लेकिन अंदर यहाँ जो कुछ भी उसको कॉपी कर दो, यानी कि 4x माइनस 3 इंटू, अब अंदर का कर लो, यानी कि इंटू dy/dx ऑफ 4x माइनस 3, पहले पूरे का किया फिर अंदर का किया, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2√ 4x माइनस 3 इंटू, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 3 का हो जाएगा 0, उससे मैं मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 4, यानी कि आपका आ गया 2/√ 4x माइनस 3, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, dy/dx एट x इज इक्वल्स टू dy/dx एट x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है। तो एट x नॉट कॉमा y नॉट अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 2/√ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, x नॉट, y तो है ही नहीं इसमें, तो y नॉट तो रखना नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 x0 - 3, और यही x नॉट आपको निकालना था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, तो समझिए जरा बात को, क्या ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान से चेक करिए, एक स्लोप तो उन्होंने मुझे दिया था और मैंने भी तो स्लोप ही निकाला है, कहाँ, x नॉट कॉमा वाई नॉट पे, उन्होंने x नॉट कॉमा वाई नॉट पे स्लोप दिया था, मैंने निकाल लिया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, हैं तो ये स्लोप ही किसका, टेंजेंट का, कौन से पॉइंट पे, x नॉट कॉमा वाई नॉट पे, एक उन्होंने दिया था एक मैंने निकाल लिया, तो है तो स्लोप ही ना, है तो स्लोप ही x नॉट कॉमा वाई नॉट पे टेंजेंट का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो 2/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/√4 × x0 - 3, 2 से 2 गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल्स टू 1/√4 × x0 - 3, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो 1/3 पलट जाएगा, 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 x0 - 3, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो क्या हो जाएगा, 4 x0
माइनस थ्री, थ्री को इधर लेके जाओगे तो नाइन माइनस थ्री क्या हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर एक्स नॉट, एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन फोर, यानी कि एक्स नॉट जो हो गया वो क्या आ गया आपका ट्वेल्व अपॉन फोर हो गया, फोर वन जा फोर थ्री जा, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई थ्री आ गई, यानी कि आपका जो पॉइंट था बच्चों, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको मिल चुका कितना है ये थ्री। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना ये कॉमन है किसके लिए टेंजेंट के लिए भी और कर्व के लिए भी, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करता है कर्व पे भी लाई करता है, इसलिए ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ रहे हो, ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब समझिए सुनो, ये कर्व जिस जिस पॉइंट से होके जा रहा है, ये कर्व जिस जिस पॉइंट से होके जा रहा है वो पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक पॉइंट उनमें से ये भी तो है, तो इसको उठा के कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास वाई नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से रखते हैं हम, चलो सबसे पहले हम लिखेंगे, अभी शुरुआत में मैं लैंग्वेज आएंगे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में लिखना छोड़ दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या क्या बातें लिखी जाती है। सिंस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लाई ऑन ऑन द कर्व, लाई ऑन द कर्व, ऑन द कर्व वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन, हेंस हेंस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट विल सेटिस्फाई इट, विल सेटिस्फाई इट, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x नॉट, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ y नॉट रख देंगे, तो y की जगह y नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 इंटू एक्स नॉट माइनस थ्री माइनस वन। अब x नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 3, तो यहाँ रख दीजिए तो 4 इंटू थ्री ये आ गया 12, 4 थ्री 12, 12 माइनस थ्री 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ठीक है, माइनस वन, तो y नॉट आपका कितना आ गया, y नॉट आ गया आपका 3 माइनस वन 2, यानी कि वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट कर्व को टच करके जा रही थी उसका वाई नॉट भी, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है 3.2। तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज व्हाट 3.2 वेयर द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2 अपॉन 3, ऐसे करके हम आंसर देंगे, कर लीजिए।